गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जिसे हम IPDM कहते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट होता है बेसिकली, तो जो इसका यूज है बेसिकली इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट को हमने क्यों इसे हमने पिक्चर में लाया, इसका रीजन था कि जो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे, तो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स डेंजरस होते हैं ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनवायरमेंट के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये बेसिकली बायोलॉजिकली ये ना सेफ नहीं होता है, और हमारे जो इकोसिस्टम वगैरह है, और ये इको फ्रेंडली भी नहीं होते हैं जो सिंथेटिक जो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हो। ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स इको फ्रेंडली नेचर के नहीं होने के कारण ये हमें आज नहीं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट आपको इनसे होते हुए देखेंगे। तो इसी वजह से इंटीग्रेटेड जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है इसकी ये पिक्चर में आया। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का, तो ये बेसिकली जो पेस्ट मैनेजमेंट के एक कॉन्सेप्ट के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था 1950 में, और फिर इसे इसमें इंटीग्रेट किया गया कि इसमें यूज किया गया जो बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह है इनके मेथड से कि आपको किस तरीके से आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे बायोलॉजिकल कल्चरल और केमिकल मेथड को आप मतलब किस तरीके से आप जो इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट है आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आज अब हम प्रेजेंट में इसे जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है इसी को हमने कंपोज किया एज अ डिजीज मैनेजमेंट के तौर पे, और हम इसे इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, जिसमें विच यूटिलाइज कंपैटिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द अवेलेबल टेक्निक्स, और इसमें जो पैथोजन है टू कीप द पैथोजन पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, कि आपका जो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल है उसके नीचे रखना पॉपुलेशन, बिकॉज अगर उसके ऊपर चला गया इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर तो इट विल लाइक कि आपका फिर कोई फायदा नहीं रहता है कि प्लांट का मतलब इकोनॉमिक अगर आपकी इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल के अगर ऊपर चला जाता है जितनी भी आपकी चीजें वगैरह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेस्टिसाइड वगैरह लिया है और पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर आप ज्यादा मतलब उसमें इकोनॉमी आपका उतना प्रॉफिट नहीं आया, उतना आउटपुट नहीं आया जितना आपने इनपुट लगाया, तो ऑब्वियसली बात है नुकसानदेह होगा, है ना, लॉसेस होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर मैनेजिंग द थिंग्स इन बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस टेक्निक बाय यूटिलाइजिंग इट, एंड इट विल गिव यू बेनिफिट लाइक it will keep the plant population below economical threshold level, and which would result in economically unacceptable that means damage to the crops. Okay, so is tarike se fir jo integrated plant disease management hai basically panch principles ko follow karta hai plant disease management ke, jisme integrated multidisciplinary jo approaches hai वो आपको मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज के होते हुए देखेंगे। अब जो मेन कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के, कि वो कौन कौन से मेन कंपोनेंट है जिनके थ्रू आप अपने प्लांट्स को मैनेज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस कंपोनेंट होता है। देन उसके बाद रेगुलेटरी मेजर्स, क्वारंटाइन जो हम कहते हैं वो। देन उसके बाद केमिकल मैथड्स, बायोलॉजिकल मैथड्स, फिजिकल मैथड्स और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो इनका जो अप्रोच होता है, तो इनके अप्रोच में एक्चुअली बेसिकली हम क्या देखते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा है, हैबिटेट वगैरह कैसे है, वेजिटेशन जो है उसका हैबिटेट कैसा है, बायोडाइवर्सिटी है या नहीं, बायोडाइवर्सिटी आप लेते हो, बायोलॉजिकल क्या है उसका पेस्ट का जो भी आ रहा है जिसके थ्रू वेक्टर के थ्रू डिजीज ट्रांसफर हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजिकल वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, सर्विलेंस आप किस तरीके से कर पाते हो, कि आप किस तरीके से उनका उन्हें चेक कर सकते हो, सर्विलेंस कर सकते हो, इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है उनका, कि किस तरीके से इम्पैक्ट कॉज करता है तो उसको आप एनालिसिस कर लो, फिर
ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी जो होती है, क्या किस प्रकार के पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हो, उनका एप्लीकेशन किसके थ्रू कर रहे हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्प्रे, डस्ट, ड्रेंचिंग, सॉइल ड्रेंचिंग वगैरह, है ना। फिर उसके बाद यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड, आप कौन सा बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ट्राइकोडर्मा वगैरह के बारे में बताया था, सूडोमोनास वगैरह जो बायो पेस्टिसाइड है, आप उसका किस तरीके से बायो कंट्रोल जो एजेंट्स है तो आप उसका किस तरीके से यूज कर रहे हो, बायो कंट्रोल एजेंट्स का कंजर्वेशन कर रहे हो आप नेचुरल एनिमीज के, किस प्रकार क्रॉप में जो क्रॉप हस्बेंड्री है उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सभी सिस्टम्स है, इंटीग्रेटेड पेस्ट जो डिजीज, इंटीग्रेटेड जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है इनके, ठीक है। तो अब जो इसमें बेसिकली इसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, फर्स्टली आप कल्चरल प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दोगे कि आप कल्चरल प्रैक्टिसेस आप किस प्रकार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट अगर आप डिजीज का करते हो तो उसमें क्या इंटीग्रेटेड जैसे वीट मैनेजमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, वीट डिजीज का, तो आप क्या करते हो कि वीट को आप ग्रो करोगे थ्रू आउट दी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में वर्ल्ड के। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वीट होता है टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन आपको वर्ल्ड में ग्रो होते हुए देखेगा। तो यहाँ पे जो डिजीज है जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया, निमाटोड, वायरसेस, ये सारे ना इन्फेक्ट करते हैं वीट को, ये हमने देखा था लास्ट टाइम। तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वली उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपको हर लोकेलिटी के हिसाब से आपको देखना होता है। तो यहाँ पे जो मेजर डिजीज है वीट के और उनके जो कैरियर है, मतलब जो वीट को कैरी करने वाले जो किस क्या मोड ऑफ मतलब किस तरीके से कि उनका मोड क्या है कैरी ओवर करने का एक एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे सेकेंडरी स्प्रेड किस तरीके से हो पाता है, कंट्रोल मेजर्स, ये सारी जो चीजें हैं तो हम उन्हें वो कंसिडर करते हैं जैसे इंपॉर्टेंट डिजीज है वीट्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक स्टेम डिजीज है तो जो ब्लैक स्टेम डिजीज है वीट का तो इट रिक्वायर्ड कि हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स फॉर्म में होता है, तो आपको दो फॉर्म रिक्वायर्ड करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्टेम रस्ट है पक्सिनिया ग्रामिनिस, तो इसके लिए ये हेट्रोजीनियस नेचर होता है इस रस्ट का। तो आपको इस हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ रस्ट में आपको क्या करना होगा कि आपको बारबेरी भी एक जो दूसरा जिसका सेकेंडरी इनोक्युलम जो प्राइमरी इनोक्युलम और इवन दो सेकेंडरी इनोक्युलम भी आपको देखना होगा। तो सेकेंडरी स्प्रेड इसका यूरिडो स्पोर्स से होता है और यूरिडो स्पोर्स से होता है, तो मैनेजमेंट आप इसका कैसे कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस वैरायटी वगैरह यूज कर सकते हो, इवन दो स्प्रे ऑफ फंजीसाइड्स वगैरह आप यूज कर सकते हो और इस तरीके से आप फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हो, तो ठीक है। फिर ब्राउन लीफ रस्ट होता है, तो ब्राउन लीफ रस्ट में क्या होता है, जो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा होता है तो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा में आप येलो स्ट्रिप रस्ट वगैरह और ब्राउन रस्ट, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा और येलो स्ट्रिप रस्ट होता है वो पक्सिनिया स्ट्रिटिफॉर्मिस होता है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर देन उसके बाद लूज मट ऑफ वीट, जो लूज मट है उस्टिलागो जो लूज मट है वो इंटरनली सीडबॉर्न डिजीज है और ये इंटरनली सीडबॉर्न डिजीज है, तो सो फॉर दिस यू शुड हैव टू बी टेक अ सीड ट्रीटमेंट। तो आपको सीड ट्रीटमेंट करना होगा, चाहे वो फिजिकली सीड ट्रीटमेंट करो या आप केमिकल यूज करके आप सीड ट्रीटमेंट करो। तो दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे करनाल बंट हो गया, सॉइल सीडबॉर्न इनोक्युलम आपको रिक्वायर्ड है। तो लाइक वाइज जो जितने भी ईयर कॉकल हो गया, निमाटोड से कॉज होता है, सॉइल और सीड कंटेमिनेशन दोनों ईयर कॉकल में आपको देखने के लिए मिलता है। तो लाइक वाइज ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि इफेक्टिव तरीके से आप इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हो सॉइल बॉर्न इनोक्युलम को, जितना भी क्रॉप डेब्रिस है, जितना भी क्रॉप डेब्रिस बचा हुआ होता है उसको आप बर्न कर दो, ठीक है। और अभी तो फिलहाल बर्निंग बैन है, बट अर्लियर डेज में हम इसे बर्न कर देते थे। तो जो हॉट समर, या तो आप हॉट समर प्लोइंग कर लो, तो हॉट समर प्लोइंग में क्या होता है कि जो इनोक्युलम वगैरह होता है सॉइल में, तो वो इनोक्युलम आप इजीली उसे लाइक वो इनोक्युलम आप सनशाइन की वजह से वो काफी मतलब वो हो जाता है, जो पैथोजेंस वगैरह वो किल हो जाते हैं सरफेस पे आने के बाद। आप क्रॉप रोटेशन ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ आप ऐसी क्रॉप्स ले सकते हो जो कि उस जैसे पीथियम वगैरह हो गया, तो ये सोलेनेसिस क्रॉप्स में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है सीडलिंग स्टेज में। तो आप अल्टरनेट क्रॉप्स रोटेशन करो, सोलेनेसिस क्रॉप्स की जगह आप कोई और फैमिली की क्रॉप ले लो,
फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट लाइक कुकुरबिटेसी फैमिली की क्रॉप्स ले लो, आप मालवेसियरम फैमिली की क्रॉप्स ले लो, तो इस तरीके से फिर आप फैलो और ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट कर सकते हो, तो आप ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह का यूज कर सकते हो। इवन तो आप रिडक्शन कर सकते हो सीड बॉर्न इनोकुलम को, ताकि आप सीड बॉर्न जो इनोकुलम्स है उनका, जैसे आप हेल्दी और सर्टिफाइड जो सीड्स वगैरह है, रेजिस्टेंस वैरायटी है, टॉलरेंट वैरायटी है, आप उनका यूज कर सकते हो। इवन तो उसमें सिस्टमिक फंजीसाइड्स वगैरह है जिसे सीड ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, तो उनका आप यूज करके कर सकते हो। और फिर रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी जो स्प्रेड है, तो उसमें जैसे रेजिस्टेंस वैरायटी, टॉलरेंट वैरायटी, जो जैसे मोस्टली जो पैथोजेंस है वो डैमेज करते हैं, तो उस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, हम अगर हम इसे नर्सरी स्टेज में अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा अगेंस्ट दी सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, जो सॉइल बॉर्न फंगस है, जस्ट लाइक पीटीएम, फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम, रेजेटोनिया सोलेनाई। लाइकवाइज जो है सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, सीड रॉट और डैम्पिंग ऑफ वाले जो पैथोजेंस है, इनके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस देखने के लिए मिलेगा। तो इसी प्रकार जो आगे जो मेन स्ट्रैटेजी है इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट की, तो ये नीड होता है एप्लीकेशंस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कि आप किस तरीके का एप्लीकेशंस कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स के, यानी कि आप स्प्रे कर रहे हो, ड्रेंचिंग कर रहे हो, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो, या फोलियर स्प्रे कर रहे हो, तो इट इज डिपेंड ऑन द ऑल दोस दिस थिंग। एंड एनकरेजमेंट और एनहांसमेंट जो बायोकंट्रोल एजेंट्स है उनका आप किस तरीके से एनकरेजमेंट कर रहे हो, उसको एनहांस कर रहे हो बायोकंट्रोल एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा का आप यूज कर रहे हो, प्लस आप सुडोमोनास का यूज कर रहे हो, ट्राइकोडर्मा विरीनी जो है, ठीक है, तो इस तरीके का ट्राइकोडर्मा हार्जियारम इसका यूज कर रहे हो। स्पीसीज जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा हार्जियारम और ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये बहुत ही इफेक्टिव है पैथोजन के अगेंस्ट में, तो इस तरीके का बायोकंट्रोल यूज कर रहे हो। यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी कर रहे हो जो टॉलरेंट है कल्टीवार के लिए, प्लांट्स के लिए, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो, जो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हिसार ललित है, तो हिसार ललित पोटैटो की जो वैरायटी है वो जो निमाटोड है उसके सॉरी नॉट पोटैटो, जो हिसार ललित है वो जो वैरायटी है हिसार ललित जो वैरायटी है वो टमाटो की वैरायटी है, ओके, तो ये जो हिसार ललित जो टमाटो की वैरायटी है, रेजिस्टेंस वैरायटी अगेंस्ट रूट नॉट जो निमाटोड वगैरह है, और प्लस पीएनआर 7 है, तो मंगला हाइब्रिड वगैरह, कर्नाटका हाइब्रिड, तो ये जो वैरायटीज है ये रूट नॉट निमाटोड के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके की आप रेजिस्टेंस वैरायटी टॉलरेंट जो कल्टीवार्स है आप उनका यूज कर सकते हो। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस आप यूज कर रहे हो उसका मॉडिफिकेशन आप तरीके से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप सॉइल में जैसे आप क्या सॉइल सोलराइजेशन आप कर सकते हो, ठीक है, आप क्रॉप्स को जितना भी क्रॉप्स है आप उसको क्या कर दो कि फील्ड के आउट ऑफ फील्ड आप ले लो उन क्रॉप्स को, फिर देन उसके बाद आप इवन दो आप उसमें जो जितना भी मतलब क्रॉप रोटेशंस के थ्रू आप कर सकते हो कि आप ना क्रॉप रोटेशंस को फॉलो करो कि आप लेग्यूम मेज और मस्टर्ड टाइप की जो क्रॉप्स है उनका रोटेशंस वगैरह करके आप उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह का यूज करके, तो ये जो कुछ तरीके होते हैं इन तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो कल्चरल प्रैक्टिसेस को। फिर देन उसके बाद आता है यूज ऑफ अदर जो स्ट्रैटेजीज है जैसे इंटरप्ट करती है होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शंस, तो जो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शंस को आप किस तरीके से कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर दो कि जैसे अगर आपने सोइंग किया तो सोइंग करके आप एंटागोनिस्टिक आप क्रॉप को यूज कर सकते हो, तो एंटागोनिस्टिक क्रॉप का यूज करने से क्या होता है कि जो निमाटोड्स वगैरह जैसे है निमाटोड वगैरह हो गया और अदर फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह, तो इनकी पॉपुलेशन में काफी अफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने सीरियल क्रॉप्स लिया जैसे वीट लिया, मेज, राइस, सॉर्गम, परमिलेट, तो इनके साथ आप क्या करते हो एंटागोनिस्टिक क्रॉप्स को आप ग्रो कर दो। एंटागोनिस्टिक क्रॉप कौन सी होती है, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक, सीसम और इस तरीके की ये जो ना एंटागोनिस्टिक क्रॉप्स होती है, तो आप क्या करो कि जैसे अगर आपने मेन जैसे आपने मेन क्रॉप्स लगाई है तो आप मेन क्रॉप के बीच में मिडल में इन क्रॉप्स को जो एंटागोनिस्टिक क्रॉप्स होती है आप इन क्रॉप्स को लगा दो,
तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके का मतलब काफी इफेक्टिव होता है और आपके जो क्रॉप्स वगैरह है उसको हेल्प करता है, आपके क्रॉप्स वगैरह में ये काफी आपको, तो ये काफी मतलब बेसिकली जो एंडोमोनिस्टिक है ना उसका मतलब होता है कि ये एक ना एक ऐसा फिनोमिना जिसमें ना जो एक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन सब्सटेंस वगैरह कह लो आप, या फिर कुछ मतलब कंपाउंड वगैरह जो रिलीज करता है, टॉक्सिन कंपाउंड जो रिलीज करता है, और एक तरीके से आप कह दो कि वो कंपटीशन करता है और प्रिडेशन करता है, जो इनहिबिट करता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो वो उस फिनोमिना को हम एंडोगोनिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो गार्लिक है, ऑनियन है ना, और ये टैगेटस, टैगेटस भी हम यूज करते हैं, जो गेंदा फूल होता है, टैगेटस इरेक्टा पेटुला, तो इनको हम एज अ इंटरकल्चरल आप एंडोगोनिस्टिक क्रॉप के तौर पे आप इन्हें यूज करते हो, जो ससेप्टेबल क्रॉप कल्टिवेशन वगैरह उनके इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ना ये बेसिकली आपके जो पैथोजेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल निमाटोड है, तो ये निमाटोड की इन्फेस्टेशंस को, ये निमाटोड को ना इनकी पॉपुलेशन को ना रिड्यूस करते हैं, बिकॉज इनसे ना केमिकल सिक्रीट होता है, टॉक्सिन केमिकल सिक्रीट होता है, तो दैट टॉक्सिन केमिकल इज हार्मफुल फॉर दिस पैथोजेंस, ओके। तो लाइकवाइज आप इसका जो जो ये स्ट्रेटेजी है, आप इसका यूज करके अपने पैथोजन प्लांट और नहीं होस्ट प्लांट इंटरेक्शंस का यूज करके आप स्ट्रेटेजी करके आप इंटरप्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर देन इसके बाद एडवांटेजेस क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट का, ये तो हमने पढ़ दिया कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और लाइकवाइज इट इज वेरी मच हेल्पफुल। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस ये है कि आप अवॉइड कर सकते हो जो केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है हमारे सॉइल में, जो केमिकल पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, इवन दो वाटर में, एयर में, फूड प्रोडक्ट्स में, जितना भी केमिकल्स, ये जो हमारा जो बायोलॉजिकल ये जो केमिक साइकिल है जो, ठीक है, तो ये जो हमारी एनवायरमेंट में जो पॉपुलर जो बेनिफिट जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो भी इनकी वजह से किल हो जा रहे हैं, और ये इट इज नॉट लाइक ये एनवायरमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा डेंजरस है, और प्लस ह्यूमन काइंड के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाइक ये बहुत डेंजरस है जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, ठीक है। और फिर प्लस ये इको फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है, तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का जितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करोगे इतना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को हार्म करेगा। तो ये एक ना बहुत सारा सीरियस कंसर्न है कि इसके बारे में मतलब हमें जो, इसलिए हम केमिकल्स को अवॉइड करने का स्टार्ट हो गया है कि केमिकल्स को आप अवॉइड करो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मूव करो, इनऑर्गेनिक फार्मिंग मत करो आप, टाइप्स का है ना। तो इससे जैसे अवॉइड करते हैं आप डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन दी प्लांट पैथोजन अगेंस्ट दी फंजाई। अब आपने सुना ही होगा कि काफी जो फंजाई है, तो फंजाई हो गया और काफी जो पैथोजन से प्लांट पैथोजन वो ना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड इनके अगेंस्ट वो डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने आप को। तो जैसे UGC 99 था, तो UGC 99 जो उसका था वीट का, तो उसने अपने अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट उसे रेस वो हो गया, जो इसका UGC 99 का जो रेस था, तो वो पैथोजन अपने आप को रेजिस्टेंस हो गया अगेंस्ट दी फंजीसाइड्स, ये तो कल्टीवार रेजिस्टेंस, कल्टीवार था अब रेजिस्टेंस, कल्टीवार ससेप्टेबल हो गया है वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं कि आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो पैथोजेंस हैं बिकॉज ऑफ दिस ये अपने आप को रेजिस्टेंस कर लेते हैं कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है। तो और ये इको फ्रेंडली स्ट्रेटेजी अगर आप मैनेजमेंट करते हो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में, तो बहुत अच्छा होता है। इको फ्रेंडली अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो मैनेजमेंट करते हो डिजीज मैनेजमेंट में, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एनवायरमेंट है एनवायरमेंट भी हेल्दी रहेगा, और प्लस हमारा जो एनिमल्स वगैरह हैं हम ह्यूमंस वगैरह इसमें भी इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से, और फिर देन इसके बाद अब इकोनॉमिकली फिजिबल होता है अप्रोचेस। तो इसको इकोनॉमिकली फिजिबल अप्रोचेस में आप क्या करते हो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कआउट करते हो, इकोनॉमिकली अच्छा होता है ये, मल्टी प्रोनाउंड स्ट्रैटेजी होती है, सफिशियंट होता है आप मैनेजमेंट कर रहे हो प्लांट डिजीज को कि बहुत लंबे समय के लिए,
तो इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है ये, और फिर इसी वजह से इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को यूटिलाइज किया जाता है, पूरा ही सुटेबल स्ट्रेटेजी है कंपैटिबली, मतलब कंपैटिबल मैनर में, कि रिड्यूस करना आपका, मेंटेन करना प्लांट पॉपुलेशंस को और पैथोजन की पॉपुलेशन को, सॉरी हाँ, मेंटेन करना पैथोजन की पॉपुलेशन को मेंटेन करने एक लेवल तक और बिलो दोस विच कॉजिंग इकोनॉमिकल लॉसेस. ओके, तो लाइकवाइज इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट का ये एडवांटेजेस था. अब अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको वीट का एग्जांपल बताया था, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ राइस डिजीज एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे जो फंगल डिजीज है ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट में जो फोलियर डिजीज है और पैथोजेंस है वो सर्वाइव करता है कोलेटरल होस्ट में. तो यू शुड डू कि आप कोलेटरल जो होस्ट है ये सर्वाइव कर रहा है ब्लास्ट डिजीज, तो आप फोलियर स्प्रे वगैरह जैसे आप कर रहे हो, तो कोलेटरल होस्ट को आप इस तरीके से आप मैनेज करो कि ये जो पैथोजन है तो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, सीड बॉर्न है, फोलियर डिजीजेस है, ठीक है. तो ब्राउन स्पॉट राइस में आप किस तरीके से कर सकते हो, आप सीड को, आप बेसिकली इनिशियली स्टेज में आप सीड को ट्रीटमेंट वगैरह दे दो, और सीड को अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह दे दो और फिर देन उसके बाद आप फोलियर स्प्रे, फोलियर डिजीज भी है ये, तो फोलियर में भी आप जो क्यूरेटिव मेजर्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेकर भी आप फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट वन शीट रॉट, शीट ब्लाइट, फुट रॉट, स्टेम रॉट, ये सारे क्या है, ये सॉइल बॉर्न डिजीज है. तो आप प्री प्लांटिंग के पहले आप अपने सॉइल को कुछ प्री प्लांटिंग के पहले आप अपने सॉइल्स को इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट से आप अपने सॉइल्स को जैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप कैसे करोगे, आप क्या करो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो इनोक्युलम है, तो मेजरली इनोक्युलम जो होता है, प्राइमरी इनोक्युलम, वो डेब्रिस होता है, ठीक है. तो प्लांट डेब्रिस में रहते हैं, और जैसे अगर सॉइल, जैसे मैं यहाँ पे है कि सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो सॉइल बॉर्न डिजीज में जैसे हॉट समर रहता है तो उसमें आप ना प्लोइंग कर दो, तो प्लोइंग में क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे और वो सन की रेज की वजह से वो किल हो जाते हैं. फॉल्स मट में सीड बॉर्न डिजीज है, तो आप फिजिकली, मैंने आपको फिजिकल तरीका सीड बॉर्न डिजीज का बताया था, मैकेनिकल तरीका बताया था मैंने आपको कि आप क्या कर दो, जो आपको हेल्दी सीड्स, जो इन्फेक्टेड सीड लग रहे हैं उसको आप सेपरेट कर दो हेल्दी सीड से, आप सर्टिफाइड सीड्स लो, ठीक है, सर्टिफाइड जो सीड्स वगैरह है आप उनको लो, उनका उनको आप सोइंग करो. इवन जो आप जो जो ये फिजिकल तरीका है इसमें आप इवन जो आप वो भी कर सकते हो कि आप जैसे सनरेज वगैरह में आप रख दो एकदम धूप में, कड़क धूप में, और इससे भी आपको इफेक्टिव होगा, इससे भी आप बेनिफिट मिलेगा आपको. ये तरीके होते हैं. अब बैक्टीरियल डिजीज में, बैक्टीरियल डिजीज मैंने आपको बताया था लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक्स है डिजीज, तो ये सर्वाइव करती है कोलेटरल होस्ट में, वीड्स वगैरह में सीड बॉर्न डिजीजेस है, तो बैक्टीरिया का सीड बॉर्न डिजीजेस वगैरह, तो आपको कोलेटरल होस्ट वगैरह, वीड्स वगैरह, जैसे वीड वगैरह है तो उसका आप रोगिंग कर दो उसका, ठीक है, अपरूट कर दो आप इन्हें, और अपरूट वगैरह कर दो आप, रोगिंग कर दो आप, इसमें भी आप सर्टिफाइड सीड्स वगैरह का यूज करो, तो ये सारे इफेक्टिव मेजर्स है आप यूज कर सकते हो इसमें. वायरल डिजीज है, फाइटोप्लाज्मा डिजीज है, राइस टोंग्रो वायरस, राइस येलो ड्राफ्ट, तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये इनके जो ये जो वायरस डिजीज होता है, तो वायरस डिजीज का ना वेक्टर होता है कैरियर, तो वेक्टर के थ्रू, एज अ कैरियर के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में. आप क्या करो कि आप ऐसे जैसे ये वेक्टर से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप क्या कर दो कि जैसे राइस के मिडल ऑफ द राइस में आप गार्लिक, ऑनियन वगैरह, गार्लिक वगैरह हो गया, मैंने आपको कुछ बताया, इवन तो आप ये टेकेटस सिरका जो मैरीगोल्ड का प्लांट है आप इन्हें लगा दो, तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लांट में ये जो ये है जो इंसेक्ट्स वगैरह है, तो इनका बेसिकली इनके वजह से ना इनका अटैक बहुत कम हो जाता है, ठीक है. जैसे मस्टर्ड वगैरह लगा दो, क्योंकि उनकी स्मेल्स वगैरह की वजह से इंसेक्ट थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से अब सर्वाइवल ऑफ जो वीड्स है, डेसिमिनेशन बाय इंसेक्ट वेक्टर्स वगैरह, तो वीड्स वगैरह को आप वीड्स वगैरह को रोगिंग कर दो, अपरूट कर दो इस तरह. तो ये सारी बेनिफिशियल तरीके होते हैं जिनको आप राइस में, राइस डिजीज के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो, और आप एज ए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तौर पे आप इसका वर्कआउट कर सकते हो. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है राइस में, मैंने आपको बताया सिलेक्शन कैसे करो, हेल्दी सीड का सिलेक्शन करो,
सिलेक्शन करो उन रेजिस्टेंस कल्टीवार का जो इफेक्टिव है, रिमूव करो, डिस्टर्बेशन करो उनका, कोलेटरल जो होस्ट वगैरह है उनका आप, और फिर बैलेंस फर्टिलाइजर आप यूज करो कि बैलेंस फर्टिलाइजर यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे समझ लो अगर आपने नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा दिया है तो नाइट्रोजन के अमाउंट पे क्या हो जाता है कि जो ये है नाइट्रोजन के अमाउंट से ये हो जाता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ना बहुत लंबे समय तक वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है और उससे क्या होता है उससे ये होता है कि आपका पैथोजन बहुत ज्यादा मतलब काफी मतलब पैथोजन को एक माइक्रो क्लाइमेट मिल जाता है और उस माइक्रो क्लाइमेट को अपने आपको बहुत अच्छा तरीके से उसको ग्रो करता है पैथोजन और इवन दो वो वेजिटेटिव ग्रोथ के ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होने की वजह से प्लांट ससेप्टेबल हो जाता है काफी डिजीज के अगेंस्ट लाइक वाइज. तो आप बैलेंसिंग फर्टिलाइजर दो. इवन आप क्या करो कि आप जो ये है डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखो, ठीक है, अपना डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखो प्लांट टू प्लांट, क्योंकि जितना ज्यादा वो पास में कॉम्पैक्ट होंगे तो उतना ज्यादा पैथोजेंस के सर्वाइव पैथोजेंस का इन्फेक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. रोगिंग कर दो आप डिजीज प्लांट को, अगर आपको दिखता है कि ये डिजीज प्लांट है तो आप उसको अप्रूव कर दो, ठीक है. फिर सीड ट्रीटमेंट करो आप कार्बंडाजीन और ट्राइको ट्राइसाइक्लाजोन से आप 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से आप सीड ट्रीटमेंट करो. फिर आप नीड आप एज अ अगर आप जरूरत है वैसे तो जरूरत नहीं होगी लेकिन अगर जरूरत पड़ती है फोलियर एप्लीकेशन की तो आप कार्बंडाजीन का यूज कर सकते हो 0.1% और ट्राइसाइक्लाजोन का 0.06% फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ब्लास्ट. ब्लास्ट के मैनेजमेंट से आप इनका यूज कर सकते हो. तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि आप जो राइस है तो राइस के इसमें आप इजीली राइस डिजीज के अगेंस्ट आप ये इफेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट की नीड है फोलियर एप्लीकेशंस की, तो वैलिडामाइसिंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ शीट ब्लाइट एंड शीट रॉट के लिए भी आप यूज कर सकते हो वैलिडामाइसिंस को. फिर सॉइल एप्लीकेशंस कर लो आप, कार्बोफ्यूरॉन ग्रैन्यूल्स है या फोलियर स्प्रे करो आप सिस्टमिक फंजीसाइड से करो, ठीक है, जैसे फॉलो बाय मैनेज करो आप इंसेक्ट वेक्टर को, क्योंकि इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू हमारे जितने भी वायरल डिजीजेस वगैरह है ये फैलते हैं. तो इससे क्या होता है कि अगर आप मैनेज करते हो आप इंसेक्ट वेक्टर को तो आपके वायरल डिजीज मोस्टली जो आपके वायरल डिजीज है वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है. तो ये एक तरीका होता है. फिर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे आप इफेक्ट करके अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो. अब नाउ हम देखेंगे दूसरा डिजीज, दैट इज शुगर कैन डिजीज एंड इंटीग्रेटेड प्लांट्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट. तो शुगर कैन में जो डिजीज आती है रेड रॉट, जिसमें सेट बॉर्न डिजीज होती है, ये स्प्रेड होती है इरिगेशन के थ्रू. अगर आपने इरिगेशन किया है तो इसके थ्रू ना ये डिजीज ना स्प्रेड हो जाती है. फिर इसमें जो दूसरी डिजीज है वो विप स्मट सेट बॉर्न और डेसिमिनेटेड थ्रू जो विंड बॉर्न स्पोरिडिया से ये क्या होता है ये स्प्रेड होता है. विप स्मट जो डिजीज है, पाइनएप्पल डिजीज है सेट रॉट, तो सेट बॉर्न डिजीज है ये, ठीक है, इसमें शुगर कैन में. फिर ग्रासी शूट वेक्टर बॉर्न फाइटोप्लाज्मा डिजीज है, ये बहुत ही फेमस है ग्रासी शूट फाइटोप्लाज्मा. कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रासी शूट डिजीज है तो क्या ग्रासी शूट डिजीज स्पायरोप्लाज्मा से प्रोड्यूस होता है या वायरल डिजीज से होता है. तो आपको बताना है कि जो ग्रासी शूट डिजीज है वो फाइटोप्लाज्मा है जैसे वो होता है, ठीक है, इसका वेक्टर बॉर्न फाइटोप्लाज्मा डिजीज है ये. और रैटून स्टंटिंग, तो रैटून स्टंटिंग सेट बॉर्न है क्लाइवी वेक्टर ज़ाइली, तो इससे होता है. फिर शुगर कैन मोज़ेक सर्वाइवल होता है वीड्स में और डेसिमिनेटेड होता है इंसेक्ट वेक्टर से. शुगर कैन मोज़ेक जो वायरस डिजीज है तो इंसेक्ट वेक्टर से ये डेसिमिनेट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की, ठीक. तो इस प्रकार तो ये जो डिजीज मैंने आपको बताई ये शुगर कैन की डिजीज है. तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना शुगर कैन की डिजीज को. अब इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट शुगर कैन का अब हम कैसे कर सकते हैं. तो शुगर कैन का इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट आप क्या करो, कलेक्शन करो और जो इन्फेक्टेड जो वो है प्लांट पार्ट से क्रॉप डेबरी से उसको आप कलेक्ट करो और उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है. लेकिन फील्ड के बाहर जाके डिस्ट्रॉय करना, फील्ड में नहीं करना क्योंकि इनोकुलम फिर वहीं पर हो जाएंगे, ठीक है. फिर आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करो कि आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट में जो सेट्स वगैरह है उसको आप रख दो 52 ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड है
52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स. 52 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, एक चीज देखना, 52 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, 520 नहीं है. ओके फिर एक मिनट, तो ये 52 डिग्री, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करो सेट्स का 30 मिनट्स के लिए. फिर देन आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करो सेट्स का 54 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 2 से 3 घंटे के लिए. ओके, तो 2 to 3 आवर्स के लिए आप करो हॉट एयर ट्रीटमेंट. सॉरी, यहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट है 52 डिग्री सेंटीग्रेड का 30 मिनट तक, और यहाँ पे हॉट एयर ट्रीटमेंट कर रहे हो आप सेट्स का 54 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2-3 आवर्स तक. तो इस तरीके से फिर आप क्या कर सकते हो, आप बैलेंस इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स कर सकते हो. क्या इरिगेशन, क्योंकि आपको पता है कि इरिगेशन के थ्रू भी जो रॉट वगैरह जो डिजीज है, रेड रॉट डिजीज, वो इरिगेशन के थ्रू, मैंने आपको भी बताया यहाँ पे रेड रॉट डिजीज है जो स्प्रेड होता है इरिगेशन वाटर के थ्रू. तो आप उसको अगर आप बैलेंस करते हो इरिगेशन को और फर्टिलाइजर को, तो आप इस डिजीज से भी अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ये हुआ एक तरीका. फिर अवॉइड करो आप सिलेक्शन करना सीड मटेरियल फ्रॉम रैटून क्रॉप्स. रैटून जो क्रॉप्स होती है, जैसे एक बार आपने कर दिया उसके बाद अगेन उसी इसमें से करने का आप अवॉइड करो, ठीक है, रैटून क्रॉप से. फिर आप एक अपना अगर आपको जरूरत है स्प्रे की, पहले तो नहीं होती है, लेकिन अगर हो गई जरूरत स्प्रे की, तो आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करो, क्योंकि जो वायरल डिजीज है और ये फाइटोप्लाज्मा है ना, ये पता कैसे होता है, ये वेक्टर के थ्रू होता है, ये इनको वेक्टर चाहिए होता है. ठीक है, तो जैसे लीफ हॉपर वगैरह हो गया, और ये प्लांट हॉप, लीफ हॉपर वगैरह, प्लांट हॉपर वगैरह, तो इन ये जो होते हैं, इनसे ये डिजीज स्प्रेड होती है. तो आप क्या करो, आप इनका यूज कर दो, मतलब अपना इंसेक्टिसाइड का, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज करो. फिर यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस और टॉलरेंट कल्टीवार का आप सिलेक्शन करो, कि ताकि आप जो डिजीज रेजिस्टेंस और टॉलरेंट क्रॉप है उनका आप सिलेक्शन प्रॉपरली करो. तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आज हमारा इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट यहाँ पे खत्म होता है. और इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में जो इसके इसका जो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है, इसके आप ये जो प्रिंसिपल्स वगैरह मैंने आपको बताए हैं, और इसका जो कंपोनेंट है जो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट की, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा. मेन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए हमारे इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में, एडवांटेजेस क्या होना चाहिए इसका, एडवांटेजेस क्या है, फिर प्लस राइस डिजीज और जो शुगर कैन डिजीज वगैरह है, तो उसका, और राइस शुगर कैन और वीट डिजीज का मैंने आपको एग्जांपल बताया था. तो इसे आप इन तीनों डिजीज को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और इन डिजीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. और एक और है डिजीज, पोटैटो डिजीज भी है, तो पोटैटो डिजीज का बारे में भी आपको एक बार लाइटली बता देती हूँ. तो पोटैटो डिजीज में मेजरली लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट वगैरह, ब्लैक स्कर्व और स्टेम कैंकर, बैक्टीरियल विल्ट, ब्राउन रॉट और रूट नॉट नेमाटोड्स, मोज़ैक और लीफ कर्ल जो डिजीज वगैरह हो गई है, तो ये इतने ये इन टाइप्स की डिजीजेस आती है कॉमनली आपको इसमें देखने के लिए मिलती है. तो बिकॉज ऑफ जो ये ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो पैथोजन ज्यादातर कैसा होता है, सीड बॉर्न या ट्यूबर बॉर्न भी बोल सकते हैं हम, इस तरीके का पैथोजन होता है. तो ये किस तरीके से स्प्रेड होते हैं जो पैथोजन से, सॉइल से, इंसेक्ट से, वाटर से, विंड से, ये कॉमन तरीका होता है ये पैथोजन का स्प्रेड करना. तो इससे आपकी क्वालिटी क्वांटिटी जो यील्ड की है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो अब इसे हमें क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. तो आप क्या करो कि जो सीरियस इंसिडेंट्स है जैसे सॉइल बॉर्न पैथोजन का, तो आप ये पहले देखो कि आपके फील्ड में कहीं पहले से आपके फील्ड में या पास्ट में कभी ये इंसिडेंट्स आया तो नहीं है, और आया है तो क्या किया है. फिर उसके बाद आपने प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह को आप देखो, लैंड में प्रॉपर ड्रेनेज, हाई फर्टिलिटी लेवल कितनी है, फर्टिलिटी लेवल वगैरह इन सबको. फिर आप सर्टिफाइड सीड्स वगैरह लो, सर्टिफाइड सीड्स जो रिलायबल एजेंसीज वगैरह वहां से आप लेने की कोशिश करो. और आप ज्यादातर जो प्लांटिंग के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, वो मटेरियल आप देखो अच्छे से प्रॉपरली. फिर आप सीड को ट्रीट कर सकते हो 3% जो कार्बोइक एसिड है उसके साथ, ठीक है.
फिर आप जो इरेडिगेशन वगैरह कर सकते हो, जो रेसिडुअल इनोक्यूलम्स वगैरह है ठीक है उनको इरेडिगेशन कर सकते हो. और फिर जो प्लांटिंग का जो डेट है ठीक है, प्लांटिंग का डेट है और ये आपको ये डिसाइड करता है कि जो प्रिवलिंग जो सॉइल टेम्परेचर मॉइस्चर्स वगैरह है इनको आप देखो ठीक है किस तरीके का. फिर इसके बाद अगर फिर भी डिजीज आते हैं तो आप प्रोटेक्टिव स्टेप्स भी ले सकते हो, जैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज जो एसेंशियल होती है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो. और आप जैसे आप स्प्रे कर सकते हो मैनकोजिप का 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह का स्प्रे कर सकते हो ठीक है. तो ये आप स्प्रे कब कर रहे हो, 30-40 days आफ्टर प्लांटिंग ठीक है, प्लांटिंग के बाद आप स्प्रे कर रहे हो. फिर आप प्लांट्स शोइंग जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उनके अगेंस्ट आप प्रॉपरली आप क्रॉप में आप क्या करो स्प्रे कर रहे हो ठीक है. तो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आप स्प्रे कर सकते हो, जैसे क्योंकि बिकॉज जो ये पोटैटो में जो डिजीज होता है तो ये डिजीज ना ये जो वायरस डिजीज होता है ये स्प्रेड होता है एफिड से, तो एफिड के अगेंस्ट आप इंसेक्टिसाइड्स वगैरह लो ठीक है. फंगीसाइड्स आप स्प्रे कर सकते हो, जिनेबटाइजिन मैनकोजेब वगैरह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स वगैरह को, तो आप इसमें चेक कर सकते हो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो पैथोजेंस का वगैरह है. तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो अपने जो इंटीग्रेटेड जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है इसके थ्रू आप अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में मैंने आपको वीट के बारे में बताया, राइस के, शुगर कैन के और पोटैटो की, ये चार चीजें मैंने आपको बताई है. तो यू शुड गो थ्रू विद ऑल दोस फोर एग्जांपल्स ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट है उसका भी आप देख लीजिएगा. तो इस प्रकार से आज आपका जो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है वो यहीं पे खत्म होता है. ओके सो थैंक यू सो मच. तो अब हम इसमें जो हमारा क्विज वगैरह है नेक्स्ट टाइम से हम हमारे एमसीक्यूज वगैरह जितने भी अभी तक लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं इन लेक्चर्स में अब हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, कि जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं इन लेक्चर्स के तो इनमें बेसिकली कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं जनरली, और आपको जहाँ जहाँ डाउट्स है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो वो डाउट्स पे भी मैं आपको उन डाउट्स के लिए भी मैं आपका एक लेक्चर रखूंगी और आपको वो डाउट्स वगैरह के बारे में भी मैं क्लियर करवाऊंगी ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.